ग्राम पंचायत को गणराज्य बनाने का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव की स्थिति को कैमरे में कैद करके सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रही एबीपीएस न्यूज टीम जिला अमरोहा की तहसील नोगावा क्षेत्र के गांव में दहरी खुर्रम पहुंची तथा ग्रामीणों से बात करने के साथ साथ ग्राम प्रधान छोटी देवी से बात करके विकास कार्यों और सरकार से गांव की अपेक्षाओं पर चर्चा की तो ग्राम प्रधान छोटी देवी ने बताया कि जितना धन ग्राम निधि से सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार विकास कार्य हो रहे हैं। इस गांव के तहसील मुख्यालय व थाने से दूरी 20 किलोमीटर है तथा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर है। 3000 की आबादी और 1050 वोटरों के इस गांव में राशन कार्ड धारकों की संख्या 265 ही है तो वहीं विधवा पेंशन 35 में से 10 लाभार्थियों को ही प्राप्त हो रही है। अगर बात वृद्धा पेंशन की हो तो यहां किसी वृद्धा को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि लगभग 50 ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल जाए तो उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में उनका साथ देने में जीवन के लिए अमूल्य योगदान होगा। शिक्षा की बात की जाए तो प्राथमिक विद्यालय में मात्र 50 छात्र ही पंजीकृत हैं और जूनियर हाई स्कूल तो यहाँ है ही नहीं जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। यहाँ 14 में से 5 सरकारी नल खराब हैं तो ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए 15 और हैंडपंपों की आवश्यकता है। वहीं सरकार से इस गांव की मांग है कि उन्हें पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर और 30 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की भी आवश्यकता है। ये जो है 16% पे काम करा रहे हैं लोग वाले, बहुत दिक्कत हो रही है और शौचालयों में भी लाभार्थी खाते में डाले गए हैं, इससे प्रधानों को बहुत दिक्कत आई है। आए दिन प्रधानों की शिकायत आती जाती रहती हैं जिले पर, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करी जाती है। प्रधानों को बहुत दिक्कत आ रही है, इस चीज़ से बहुत परेशान है। रास्ता और रास्तों के दाई विकास कहाँ से कराएँ जब पैसा ही नहीं भेज रही सरकार, जितना पैसा आता उतना लगा देते हैं, बाकी पैसा जब आएगा तभी विकास हो पाएगा, पैसा आई नहीं रहे। 60 साल विधवा पेंशन ना, कोई विधवा पेंशन बनी है अभी और 60 साल का फार्म दे दिए थे ना, कोई 60 साल आई है। प्रधान के तो हाथ काट रखे हैं बिल्कुल, प्रधान के प्रधान कोई अधिकारी ना है, प्रधान के सब अधिकार छीन लिए गए हैं। और जो है पंचायत घर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्कूल की बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, ना नाली है ना कुछ है, जब पैसा नहीं आ रहा तो बड़े बढ़िया काम कर रहे हैं, पर चक्कर ये प्रधान जी को सरकारी पैसा नहीं दे रही तो क्या गाँव को समाज कर वो विकास कराएंगे प्रधान जी। ये हमारा कहना है कि सरकार हमारे प्रधान जी की योजना दे, हमारे गांव का काम कराए, हमारे गांव के समाधान होगा तो आगे को सरकार का भी काम होगा और गाँव के प्रधान का भी काम होगा।